रहीम, माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ मोहम्मद रफ़ीक पाशा। बेटा, एज़ यू नो दैट स्कूल आर स्टिल क्लोज्ड अप टू 15th ऑफ दिस मंथ ड्यू टू कोविड 19, बट वी डोंट वांट टू वेस्ट इवन अ सिंगल मिनट ऑफ योर्स। सो स्केड्यूल इज़ ऑलरेडी सेंड टू यू दैट ऑन विच डेट्स यू आर गोइंग टू अपेयर फॉर डिफरेंट टेस्ट्स। Specifically, English, for English test, you are going to appear on 15th of this month. Syllabus is sent to you, as I told you. Lesson number 9 and lesson number 10 are included. Though you have already read these lessons, but for your revision, I am going to translate this lesson once again. I hope all of you will listen the translation carefully. First of all, I'll tell you briefly the introduction of this lesson. In this lesson, we are told that if we stuck to our target, then it is not impossible that we can't achieve our target. Let's start, beta. Lesson name is All Is Not Lost. Sab kuch nahi khoya hai. All is not lost, सब कुछ नहीं खोया है। Basically, this story is about a nurse who cares for her patient, and one day the patient not only cured, but she comes to thank to her nurse for the services. Let's start the lesson. It was the beginning of my profession as a nurse. ये दाया के तौर पर मेरे पेशे का आगाज था। Beginning, आगाज, profession, पेशा, nurse, दाया। ये दाया के तौर पर मेरे पेशे का आगाज था। I worked in the intensive care unit of neurology ward. मैं आसाबी निज़ाम के इंतहाई निगहदाश्त वाले शोबे में काम करती थी। आई वर्क में काम करती थी इन द इंटेंसिव केयर यूनिट, इंतहाई निगहदाश्त वाले शोबे में ऑफ न्यूरोलॉजी वार्ड, इल्मुल आसाब के। मैं इल्मुल आसाब के इंतहाई निगहदाश्त वाले शोबे में काम करती थी। एज़ अ यंग प्रोफेशनल, एक नौजवान पेशेवर होने के नाते, आई विश टू सेव द वर्ल्ड, मैं दुनिया को बचाना चाहती थी। मेरी ख्वाहिश थी, विश्ड, मैं चाहती थी या मेरी ख्वाहिश थी, सेव द वर्ल्ड, दुनिया को बचाना। आई वॉज एक्साइटेड टू सी पेशेंट्स मेकिंग क्विक रिकवरीज, मैं उन मरीज़ों को देखकर पुरजोश हो जाती थी। आई वॉज एक्साइटेड, मैं पुरजोश हो जाती थी, टू सी पेशेंट्स, उन मरीज़ों को देखकर, मेकिंग क्विक रिकवरीज, जो बहुत जल्द सेहतयाब हो जाते थे, फ्रॉम डिवास्टेटिंग एक्सीडेंट्स, तबाहकुन हादसात में से, डिवास्टेटिंग, तबाहकुन एक्सीडेंट्स, हादसात। येट आई वॉज पेंड, ताहम मुझे बहुत तकलीफ होती थी, टू नर्स, उन लोगों की देखभाल करके, दोज हु वर स्टक विद एक्यूट न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, जो शदीद, एक्यूट, शदीद न्यूरोलॉजिकल आसाबी डिसऑर्डर, बिगाड़, जो कि शदीद आसाबी बिगाड़ का शिकार होते थे। वन डे, एक दिन, स्टैंडिंग एट द बेड साइड ऑफ अ यंग बस एक्सीडेंट विक्टम, एक दिन जब मैं बस के हादसे में शिकार होने वाली एक नौजवान मरीज़ा के बिस्तर के पास खड़ी थी, विक्टम मरीज़ा, बस एक्सीडेंट, बस के हादसे में शिकार होने वाली, आई वंडर्ड, मैं हैरान थी, इफ़ शी कुड मेक द सेम रिकवरी एज अदर्स, क्या ये भी दूसरे मरीजों की तरह सेहतयाब हो पाएगी। हीरा, दैट वॉज द नेम ऑफ द पेशेंट, हीरा हैड रिसीव्ड सीवियर हेड एंड स्पाइनल इंजरीज, हीरा के सर और रीढ़ की हड्डी में शदीद चोटें आई थी, इंजरीज, चोटें, एज शी वॉज हिट बाय अ स्पीडिंग बस, जब वो एक तेज़ रफ्तार बस से टकराई थी, वाइल क्रॉसिंग अ बिजी रोड, एक मसरूफ़ सड़क को पार करते हुए।
आई टुक हर लाइफलेस आर्म्स इन माई हैंड्स, मैंने उसके बेजान बाजुओं को अपने हाथों में लिया, लाइफलेस बेजान आर्म्स बाजुओं को, एंड ट्राई टू डू सेवरल एक्सरसाइजेज ऑन हर, और उस पर मुख्तलिफ वर्जिशें आजमाई और उस पर मुख्तलिफ वर्जिशें सेवरल एक्सरसाइजेज मुख्तलिफ वर्जिशें टू डू आजमाई ऑन हर उस पर, बट इन वेन, लेकिन सब बेसूद रहीं, मैंने उस पर मुख्तलिफ वर्जिशें आजमाई लेकिन सब बेसूद रहीं। आल्सो इसके साथ साथ आई मेड हर यंगर सिस्टर कम, मैंने उसकी छोटी बहन को बुलाया, एंड टॉक टू हर, कम एंड टॉक टू हर कि वो आए और उससे बात करे, थिंकिंग ये सोचकर दैट द वॉइस ऑफ अ नियर एंड डियर कि शायद किसी करीबी अजीज की आवाज़ सुनकर, नियर एंड डियर करीबी अजीज वॉइस आवाज़ सुनकर, वन माइट एक्टिवेट दैट नियरली डेड न्यूरॉन्स कि शायद उसके नीम मुर्दा आसाब, नियरली डेड न्यूरॉन्स नीम मुर्दा आसाब हरकत करने लग जाएं या मुतहर्रिक हो जाएं। शी कुड सी, वो देख तो सकती थी, बट नॉट टॉक, लेकिन बात नहीं कर सकती थी, यानी पेशेंट, वो देख तो सकती थी लेकिन बात नहीं कर सकती थी। हर आइज शोड अ सर्टन हेल्पलेसनेस, उसकी आँखों से एक ख़ास किस्म की बेबसी जाहिर होती थी, यानी मरीज़ा की आँखों से। आई कुड रीड हर माइंड थ्रू हर आइज, मैं उसके दिमाग को उसकी आँखों के ज़रिए से पढ़ सकती थी। परहैप्स शायद, शी वॉन्टेड टू से, वो ये कहना चाहती थी, प्लीज़ हेल्प, मेहरबानी करके मेरी मदद करो, प्लीज़ हेल्प मी, मेहरबानी करके मेरी मदद करो। अ फेलो नर्स केम नियर मी, एक साथी दाया मेरे पास आई, एंड आस्क, और मुझसे पूछा, राहीला, राहीला इज़ द नेम ऑफ नर्स, व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रही हो, फाइटिंग अ लॉस्ट बैटल, तुम एक हारी हुई जंग लड़ रही हो, फाइटिंग लड़ रही हो, लॉस्ट बैटल, एक हारी हुई जंग, यानी वो ये कहना चाह रही है उसकी साथी नर्स कि तुम इस मरीज़ा पर इतनी मेहनत ना करो, अब ये ठीक नहीं हो सकती। आई वॉज शॉक्ड, मुझे सदमा पहुंचा, एट फर्स्ट, पहले पहल तो मुझे उसकी ये बात सुनकर सदमा पहुंचा, ये बात बेटा नर्स कर रही है, टू हेयर अ कोलीग मेकिंग अ होपलेस कमेंट, अपनी साथी की तरफ से ऐसी मायूस कुन बात सुनकर, होपलेस मायूस कुन कमेंट बात। देन आई रिप्लाइड, फिर मैंने जवाब दिया, आई एम ट्राइंग टू मेक हर ब्रेन प्रोसेस, मैं कोशिश कर रही हूँ कि उसका दिमाग काम करना शुरू कर दे, हर सिस्टर्स वॉइस, अपनी बहन की आवाज़ सुनकर। आल्सो इसके साथ साथ आई एम डूइंग माई बेस्ट, मैं अपनी भरपूर कोशिश कर रही हूँ, टू इंश्योर इस बात को यकीनी बनाने के लिए, दैट हर आर्म्स एंड लेग्स गेट प्रॉपर एक्सरसाइज, कि उसके बाजुओं और टांगों को भी मुनासिब वर्जिश मिले, दिस माइट हेल्प हर वॉक लाइक अ नॉर्मल पर्सन, शायद इससे उसे एक आम शख्स की तरह चलने में मदद मिले, यानी एक्सरसाइजेज उसे मदद दे कि वो एक आम शख्स की तरह चल पाए। मीनवाइल इसी दौरान अ सीनियर डॉक्टर, एक तजर्बाकार डॉक्टर, सीनियर डॉक्टर, तजर्बाकार डॉक्टर ऑन ड्यूटी, जो कि ड्यूटी पर मौजूद था, वॉकड इन, वो अंदर आया, ही गेव मी एन आयरनिक स्माइल, उसने मुझे तंजिया मुस्कराहट के साथ देखा, आयरनिक तंजिया स्माइल मुस्कराहट, एंड सेड, और कहा, इफ़ यू स्पेंड मोस्ट ऑफ योर ड्यूटी आवर्स ऑन वन पेशेंट, अगर तुम अपनी ड्यूटी के ज़्यादातर औकात, आर्जमीन यहाँ पर औकात होगा, औकात एक मरीज़ा पर सर्व करोगी, वी विल हैव टू रिक्रूट मोर नर्सेज टू अटेंड टू अदर पेशेंट्स, तो हमें दूसरे मरीजों को देखने के लिए मज़ीद नर्सें रखना पड़ेंगी। रिक्रूट भर्ती करना या रखना, मोर नर्सेज मज़ीद नर्सें टू अटेंड टू अदर पेशेंट्स, दूसरे मरीजों को देखने के लिए। प्लीज़ गो, बराए मेहरबानी जाओ, एंड सी अदर पेशेंट्स, और दूसरे मरीजों को देखो। वी डू नॉट हैव मच होप फॉर हर, हमें इसके ठीक होने की ज़्यादा उम्मीद नहीं है, यानी इस मरीज़ा के, हीरा के ठीक होने की ज़्यादा उम्मीद नहीं है,
आई डोंट थिंक, मैं नहीं समझता दैट शी कैन एवर वॉक अगेन, कि वो फिर कभी चल सकती है. आई वॉज अपसेट, मैं परेशान हो गई, यानी कि नर्स कह रही है कि मैं परेशान हो गई. द एडवाइस टू लीव द पेशेंट अनअटेंडेड डिड नॉट सीम राइट. मरीज पर तवज्जो दिए बगैर उसको जो छोड़ देने की नसीहत थी वो सही नहीं लगती थी. द एडवाइस, नसीहत टू लीव द पेशेंट, मरीज़ा को छोड़ने की अनअटेंडेड बगैर तवज्जो दिए, डिड नॉट सीम राइट, सही नहीं लगती थी. आई न्यू, मैं जानती थी दैट शी हैड सफर्ड फ्रॉम मेजर न्यूरल डैमेज. मैं जानती थी कि वो शदीद आसाबी नुकसान या बिगाड़ का शिकार हुई थी, सफर्ड शिकार हुई थी न्यूरल डैमेज, आसाबी बिगाड़ का. बट शी नीडेड टू बी गिवन अ चांस, लेकिन उसे एक मौका दिया जाने की ज़रूरत थी. एन इनर वॉइस समवेयर विद इन मी स्पोक, मेरे अंदर से यानी मेरे ज़मीर की आवाज़ ने मुझे पुकारा. ट्राई वंस फॉर हर, उसके लिए एक मरतबा फिर कोशिश करो. मेरे ज़मीर की आवाज़ ने कहीं से मुझे पुकारा कि उसके लिए एक और कोशिश करो. इनर वॉइस, ज़मीर की आवाज़. आई वेंट टू द सीनियर नर्स, मैं तजर्बाकार नर्स के पास गई. एंड टोल्ड हर, और उसे बताया दैट आई वॉन्टेड टू हेल्प दिस पेशेंट, कि मैं इस मरीज़े की मदद करना चाहती हूँ. एंड वर्क विद हर मोर क्लोजली, और उसके ज़्यादा करीब रहकर उस पर काम करना चाहती हूँ या उसकी देखभाल करना चाहती हूँ. द सीनियर नर्स लुक एट मी विद अटर सरप्राइज, तजर्बाकार नर्स ने शदीद हैरत से मेरी तरफ देखा. अटर सरप्राइज, शदीद या बेहद हैरत से मेरी तरफ देखा. एंड रिमार्क, और कहा दैट शी हैड ऑर्डर्स फ्रॉम द डॉक्टर इन चार्ज, के मेरे पास ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टर की तरफ से अहकामात हैं. ऑर्डर्स मीन अहकामात. डॉक्टर इन चार्ज, जो डॉक्टर ड्यूटी पर हैं, टू शिफ्ट हर टू द जनरल वार्ड, कि इस मरीज़ा को आम मरीज़ों वाले शोबे में मुंतकिल कर दिया जाए. द डॉक्टर्स थॉट, डॉक्टरों का सोचना है दैट शी वाज अ होपलेस केस, कि वो ऐसी मरीज़ा है जो ठीक नहीं हो सकती. होपलेस केस, केस मीन मरीज़ा, होपलेस जो ठीक नहीं हो सकती. एंड बेड मस्ट बी स्पेयर्ड फॉर अदर पेशेंट्स, और बिस्तर दूसरे मरीजों के लिए खाली होना चाहिए. आई वॉज शॉक टू हेयर दिस, मुझे ये सुनकर सदमा पहुँचा. द पेशेंट्स फैमिली आल्सो रिक्वेस्टेड मी, मरीज़ा के ख़ानदान वालों ने भी मुझसे इल्तजा की, रिक्वेस्टेड इल्तजा की, टू हेल्प देम, कि मैं उनकी मदद करूँ फाइट द केस मरीज़ा के खातिर या मरीज़ा के लिए, कि मैं मरीज़ा के लिए उनकी मदद करूं. समथिंग नीडेड टू बी डन, कुछ ना कुछ करने की ज़रूरत थी. ये बात नर्स कर रही है कि कुछ ना कुछ करने की ज़रूरत थी. आई कुड नॉट लीव माई पेशेंट फाइटिंग अ लॉस्ट बैटल ऑन हर ओन, मैं अपनी मरीज़ा को एक हारी हुई जंग खुद से लड़ने के लिए नहीं छोड़ सकती थी, यानी मैं उसको इस हालत में नहीं छोड़ सकती थी. आई मेड अप माई माइंड, मैंने पक्का इरादा कर लिया. मेड अप माई माइंड, मैंने पक्का इरादा कर लिया टू रिस्क माई कैरियर, अपनी नौकरी को ख़तरे में डालने का. रिस्क खतरे में डालना, माई कैरियर मेरी नौकरी. मैंने अपनी नौकरी को ख़तरे में डालने का पक्का इरादा कर लिया. एंड हेल्प द पेशेंट, और मरीज़ा की मदद करने का. आई रिक्वेस्टेड द सीनियर डॉक्टर्स, मैंने तजर्बाकार डॉक्टरों से इल्तजा की टू अलाउ मी, कि वो मुझे इजाज़त दें टू अटेंड टू दिस यंग हेल्पलेस पेशेंट, कि मैं इस नौजवान बेबस मरीज़ा की देखभाल करूँ. अटेंड मीन देखभाल करना. Somehow, किसी न किसी तरह से I was able to make the patient stay in the ICU. मैं मरीज़ा को इंतहाई निगहदाश्त वाले शोबे में रखने में कामयाब हो गई. ICU, इंतहाई निगहदाश्त वाला शोबा. I continued to work on Hira, मैंने हीरा पर काम जारी रखा, यानी मरीज़ा की देखभाल जारी रखी. But she was not making much recovery, लेकिन वो ज़्यादा अच्छे तरीके से ठीक
ठीक नहीं हो रही थी या वो तेज़ी से ठीक नहीं हो रही थी। आई फेल्ट एज हेल्पलेस, मैं भी अपने आप को ऐसे ही बेबस महसूस कर रही थी या मैंने भी अपने आप को ऐसे ही बेबस महसूस किया। एज शी वॉज टू सी हर लाई ऑन बेड इन अ मिजरेबल स्टेट, जैसे वो खुद को बिस्तर पर काबिल रहम हालत में पड़े हुए देखकर महसूस कर रही थी। मैंने भी अपने आप को वैसे ही बेबस महसूस किया जैसे वो खुद को बिस्तर पर काबिल रहम हालत में पड़े हुए देखकर महसूस कर रही थी। वुड आई बी एबल टू जस्टिफाई माई स्टांस बिफोर द सीनियर डॉक्टर्स, क्या मैं तजर्बाकार डॉक्टरों के सामने अपने मौकफ को दुरुस्त साबित कर पाऊंगी। जस्टिफाई मीन दुरुस्त साबित करना, यानी द क्लेम दैट वॉज मेड बाय द नर्स वुड बी करेक्ट और नॉट। आई डिड नॉट लूज होप, मैंने उम्मीद का दामन ना छोड़ा। आई कॉन्टिन्यू टू वर्क विद पेशेंस, मैंने सब्र के साथ मरीज़ पर काम जारी रखा। एंड केप्ट डूइंग एक्सरसाइजेज विद हर, और उस पर मुख्तलिफ वर्जिशें आजमाई या उसे मुख्तलिफ वर्जिशें करवाईं। ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता आई कुड सी हर मेकिंग अ स्लाइट रिकवरी, मैं उसमें थोड़ी सी बेहतरी महसूस कर सकती थी। स्लाइट रिकवरी, थोड़ी सी बेहतरी। वन डे, एक दिन, आई वॉज थ्रिल्ड टू सी हर लिफ्ट हर लिटल फिंगर, मैं उसे यानी मरीज़ा को अपनी छोटी उंगली उठाते हुए देखकर बहुत ज़्यादा जोश में आ गई। थ्रिल्ड, बहुत ज़्यादा जोश में आना। एक दिन मैं मरीज़ा को अपनी छोटी उंगली उठाते देखकर बहुत ज़्यादा जोश में आ गई। All was not lost, सब कुछ ख़त्म नहीं हुआ था। This comment is of the nurse, कि सब कुछ ख़त्म नहीं हुआ था। I was sent on a 3 months training course to Karachi, मुझे कराची में 3 महीने की तरबियत के लिए भेज दिया गया। 3 महीने की तरबियत के लिए भेज दिया गया। I made all possible attempts, मैंने अपनी हर मुमकिन कोशिश की। टू लीव पेशेंट इन गुड हैंड्स, कि मैं मरीज़ा को अच्छे हाथों में छोड़ कर जाऊँ। आई रिटर्न्ड आफ्टर 3 months टू सी माई पेशेंट्स बेड टेकन अप बाय अनदर, जब मैं 3 बाद वापस आई तो मैंने देखा कि मेरी मरीज़ा का बिस्तर किसी और के पास था, यानी उस बिस्तर पर कोई और मरीज़ था। माई फीट फ्रोज, मेरे कदम वहीं पर जम गए। टू द ग्राउंड, ज़मीन पर, मेरे कदम वहीं ज़मीन पर जम गए। मैंने शी वॉज नॉट एबल टू मूव बाई सींग दिस। आई डिड नॉट हैव द करेज टू आस्क वट हैपन्ड, मेरे अंदर ये पूछने की जरूरत ना हुई कि उस मरीज़ा का क्या हुआ। ये नर्स ये कह रही है कि मेरे अंदर ये पूछने की जरूरत ना हुई कि उस मरीज़ा का क्या हुआ। एज ए स्टूड नियर द बेड, जब मैं बिस्तर के पास खड़ी थी, विद सेवरल क्वेश्चंस पॉपिंग इन माई माइंड, और मेरे जहन में कई सवालात उभर रहे थे। पॉपिंग, उभरना, क्वेश्चन, सवालात। आई फेल्ट अ जेंटल पैट ऑन माई शोल्डर, तो मैंने अपने कंधे पर हल्की सी थपकी महसूस की। आई टर्न अराउंड, मैं पीछे मुड़ी। टू सी अ यंग वुमन, मैंने देखा कि एक नौजवान औरत स्माइलिंग एट मी, मुझे देखकर मुस्करा रही है। आर यू लुकिंग फॉर योर पेशेंट, क्या आप अपनी मरीज़ा को तलाश कर रही हैं। शी सेड, उसने कहा। एंड गेव मी अ बिग हग, और मुझे भरपूर अंदाज में गले लगा लिया। हग मीन गले लगाना। थैंक यू फॉर एवरीथिंग यू डिड, हर उस चीज़ के लिए शुक्रिया जो आपने मेरे लिए की। ये बात बेटा वो पेशेंट कर रही है जो अब ठीक हो चुकी है। आई नो यू डिड नॉट अलाउ देम, मैं जानती हूँ कि आपने उन्हें इजाज़त ना दी। किन्हें? यानी जो नर्सेज और जो डॉक्टर्स उसे डिस्करेज कर रहे थे, नर्स को। मैं जानती हूँ कि आपने उन्हें इजाज़त ना दी। टू मेक मी लीड अ क्रिपल्ड लाइफ, कि वो मुझे एक अपाहज की ज़िंदगी गुजारने देते। मैं जानती हूँ कि आपने उन्हें इजाज़त ना दी कि मैं एक अपाहज की ज़िंदगी गुजारूँ। क्रिपल्ड, अपाहज। आई स्टूड स्टिल, मैं बेहिस्सो हरकत खड़ी थी।
ये बात नर्स कर रही है, अनटिल जब तक कि हर फैमिली केम अराउंड मी विद बिग स्माइल्स ऑन देयर फेसेस, उसका पूरा ख़ानदान अपने चेहरों पर बड़ी बड़ी मुस्कराहटें लिए मेरे गिर्द जमा हो गया। थैंक्स टू अल्लाह, खुदा का शुक्र है, शी वाज माई पेशेंट, वो मेरी मरीज़ा थी, स्टैंडिंग एंड वॉकिंग ऑन हर ओन फीट, जो अपने पाँव पर खड़ी और चल रही थी। आई कुड नॉट रिकग्नाइज हर विदाउट द मशीनरी एंड ट्यूब्स अराउंड हर बॉडी, मैं उसके जिस्म के गिर्द लगी नालियों और मशीनरी के बगैर उसे ना पहचान सकी, रिकग्नाइज पहचान सकी विदाउट बगैर मशीनरी मशीनों ट्यूब्स नालियों, मैं उसके जिस्म के गिर्द लगी नालियों और मशीनरी के बगैर उसको ना पहचान सकी। शी वॉकड ऑन क्रचिज, वो बिसाखियों पर चल रही थी, विच शी वुड लीव इन अ फ्यू मंथ्स, जिन्हें वो चंद माह में छोड़ देगी। यानी अभी फ़िलहाल तो वो बिसाखियों पर चल रही थी, लेकिन चंद माह बाद उन बिसाखियों को भी उसने छोड़ देना था, यानी मरीज़ ने। आई वॉज सो ग्लैड, मैं इतनी खुश थी, दैट आई हैड डन दोज एक्सरसाइज ऑन हर, कि मैंने उस पर वो वर्जिशें आजमाई, टू कीप हर लिम्स इन मोशन, जिससे उसके आज़ा, लिम्स मीन आज़ा बॉडी पार्ट्स, हरकत में रहे। आई वॉज ग्लैड, मैं खुश थी, दैट माई एफर्ट्स बोर फ्रूट, कि मेरी कोशिशें रंग लाएं, माई एफर्ट्स बोर फ्रूट, मेरी कोशिशें रंग लाएं, या मेरी कोशिशें बराबर साबित हुई। बट मोस्ट ऑफ ऑल, लेकिन सबसे ज़्यादा मैं इसलिए खुश थी, लेकिन सबसे ज़्यादा मैं आई वॉज हैप्पी इसलिए खुश थी, दैट अल्लाह अलमाइटी हैड हेल्प मी विन अ लॉस्ट बैटल, कि अल्लाह तबारक व ताला ने एक हारी हुई जंग जीतने में मेरी मदद की थी। नर्स ये बात कर रही है कि अल्लाह तबारक व ताला ने एक हारी हुई जंग जीतने में मेरी मदद की थी। शी एंड हर फैमिली हैड एंटर्ड इनटू अ कंसीडरेबल बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप विद मी, वो और उसका ख़ानदान मेरे साथ दोस्ती के गहरे बंधन में बंध गया था। कंसीडरेबल, गहरा बॉन्ड, बंधन, यानी नर्स की उसके ख़ानदान के साथ अब क्या हो गई थी, दोस्ती हो गई थी। आई वॉज हम्बल्ड बाई देयर सेंस ऑफ ग्रेटिट्यूड टूवर्ड्स मी, वो जो मेरा बार बार शुक्रिया अदा कर रहे थे, उसकी वजह से मैं आजिज़ होती चली जा रही थी, यानी मुझ में आजजी आती जा रही थी, वो जितना मेरा शुक्रिया अदा करते जा रहे थे। ग्रेटिट्यूड, शुक्रिया। आई फेल्ट अ सेंस ऑफ रिन्यूड स्ट्रेंथ इन मी, मैंने अपने अंदर एक नई तवानाई पाई, या मुझे अपने अंदर एक नई तवानाई का एहसास हुआ। रिन्यूड स्ट्रेंथ, नई तवानाई, सेंस, एहसास। वेयर देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे, जहाँ चाह वहाँ रहा। बेटा दिस इज़ अ फेमस प्रोवर्ब, जहाँ चाह वहाँ रहा, यानी फॉर वट ह्यूमन बींग और मैन एफर्ट्स दैट इज़ अचीव्ड, यानी जिसकी हम कोशिश करते हैं वो हमें मिल जाता है। जहाँ चाह वहाँ रहा। आई वॉज प्राउड टू बी अ नर्स, मुझे दया होने पर फख्र था। नाउ बेटा दिस इज़ द एंड ऑफ द लेसन एंड नेक्स्ट विल स्टार्ट द एक्सरसाइजेज। आई टेल यू विच आर द इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइजेज विच यू विल प्रिपेयर फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू।